21वीं सदी में बहुत से माल 1980 और 19 की दिहाइयों में अपनी मकबूलियत की बुलंद तरीन सतह से कम हो चुके हैं। ताहम चंद बड़े शॉपिंग मॉल्स आज के सार्फिन पर मुबन्नी तौर पर ना सिर्फ जिंदा रहे हैं बल्कि तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। आज हम मजबूरी लिजाबेल एरिया के लिहाज से अमेरिका के सबसे बड़े मॉल्स के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ शॉपिंग सेंटर ICSC के मुताबिक आलमी तजारती एसोसिएशन बराए खुदरा रियल एस्टेट इंडस्ट्री अमेरिका में दो किस्म के मॉल्स हैं। नंबर 1 रीजनल मॉल, नंबर 2 पर सुपर रीजनल मॉल। क्या आप लोग जानते हैं कि लव्स मॉल अमेरिका से आया है? ये असल में किसी भी बड़े शॉपिंग सेंटर का हवाला देता है। इब्तदाई तौर पर पैदल चलने वाले रास्ते के साथ स्टोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज की वीडियो में हम अमेरिका के 10 बड़े शॉपिंग मॉल्स के बारे में जानेंगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस फैक्ट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे, हमेशा खुश रहें। नंबर 1 पर अमेरिकन ड्रीम, जिसे अमेरिकी ख्वाब कहा जाता है। ईस्ट रदरफोर्ड न्यू जर्सी में वाकई है। इसका एलिजिबल एरिया 3 मिलियन मुरब्बा फीट है और इसकी इब्तदा 2019 में हुई थी, जबकि मॉल की तामीर 2004 में शुरू हुई थी। माली और कानूनी मसाइल और मलकियत में होने वाले तब्दीलियों की एक सीरीज़ ने इसकी तकमील में काफ़ी ताखीर की। 2 साल बाद 2008 के मालियाती बहरान ने रियल एस्टेट फंडिंग की आलमी किल्लत पैदा कर दी, जिसने मॉल की तामीर को दोबारा रोक दिया। 2011 में मॉल की ज़्यादातर मलकियत 555 ग्रुप ने हासिल की थी, जो कि कैनेडियन रियल एस्टेट का एक ग्रुप है जिसका कंट्रोल गर्मीजियन ख़ानदान के पास है। मॉल के पहले फेज़ को खोलने में मज़ीद 8 साल लग गए। 2020 में ये ऐलान किया गया था कि तकरीबन 70% मॉल तफरी सहूलियात पर मुश्तमिल होगा और सिर्फ 30% रिटेल किराएदारों पर मुश्तमिल होगा। सितंबर 2021 में इसने अपना नया लग्जरी विंग आवाम के लिए सिर्फ 5 स्टोर्स के साथ खोला। नंबर 2 पर मॉल ऑफ अमेरिका, जो कि ईस्ट ब्रॉडवे ब्रोमिंगटन में वाकई है और इसका लीज एरिया 2.86 मिलियन मुरब्बा फीट है। 1992 में खोला गया अमेरिका का सबसे पहला मॉल, जिसे मॉल ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। मॉल ऑफ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट के वस्त मगरबी इलाके में सबसे ज़्यादा मकबूल पुरकशिश मकामात में से एक है। ये 520 स्टोर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 4 एंकर स्टोर। मॉल के अंदर काबिल ज़िक्र तफरी सहूलियात भी हैं। एक निकलोडियन यूनिवर्सिटी है, जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का सबसे बड़ा एंड्रो थीम पार्क है, जिसमें मुतअद्दिद रोलर कोस्टर और सनसनी खेज सवारियाँ हैं। मॉल के मशरक और मगरबी अतराब में 7 मंजिला का पार्क्स है। इमारत के शमाल की एक इजाफी ओवरफ्लो पार्किंग स्लॉट भी है। मॉल की मुश्तरका पार्किंग की गुंजाइश 13,000 कारों से ज़्यादा है। नंबर 3 पर एवेंचुरा मॉल, यूनाइटेड स्टेट फ्लोरिडा और एवेंचुरा में वाकई है। लिजिबल एरिया 2.8 मिलियन मुरब्बा फीट है। 1983 में खोला गया एवेंचुरा फ्लोरिडा में एक बड़ी कोशिश के तौर पर खड़ा है, जिसने अपने खोर्दा स्टोर्स के वसी ज़खीरे से तवज्जो हासिल किया है, जिसकी तादाद 300 से ज़्यादा है। यहाँ तकरीबन 40 खाने पीने की जगह और एक अलहदा खाने का हाल है और इब्तदाई तौर पर इसकी मलकियत 2 रियल एस्टेट फर्मों ऑक्सफर्ड डिवेलपमेंट और एडवर्ड जे डॉट डिबार्टलो कॉर्प एडवर्ड के नाम है। असल मॉल कॉम्प्लेक्स में 1.2 मिलियन मुरब्बा रिटेलेबल फ्लोर एरिया है। मॉल की पहली बड़ी तोसी 1996 में की गई थी, जिसमें जुनूब मशरक सिरे पर एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा, 3 मंजिला एटीरियम और एक न्यू रेस्टोरेंट बनाया गया। नंबर 4 पर साउथ कोस्ट प्लाजा, कोस्टा मेसा कैलिफोर्निया में वाकई है और इसका मजबूरी लीजिबल एरिया 2.8 मिलियन मुरब्बा फीट है। 1967 में ये ओपन हुआ।
कैलिफोर्निया का साउथ कोस्ट प्लाजा अमेरिकी मगरबी साहिल का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल और मुल्क का तीसरा बड़ा कैलिफोर्निया का साउथ कोस्ट प्लाजा अमेरिकी मगरबी साहिल का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। यह मॉल 128 एकड़ के रकबे पर फैलता है और इसमें तकरीबन 2.8 मिलियन मरबा फीट मजबू एलिजिबल जगह है जिसमें 270 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। ये मॉल 1967 में कोस्टा मेसा में ऑरेंज काउंटी कैलिफोर्निया के एक ममताज ख़ानदान सेग्रेस्ट्रोम ख़ानदान के अफराद ने तामीर किया गया था। ये इस फहरिस्त में शामिल बहुत कम शॉपिंग मॉल्स में से एक है जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बजाय ख़ानदान के ज़ेर इंतज़ाम कारोबार की मलकियत है। साउथ कोस्ट प्लाजा अपने दिलकश अंदरूनी डिज़ाइन के लिए जाना जाता है, ख़ास तौर पर उल्टा अहराम नुमा फानूस, एक पैदल चलने वाला पुल जिसे बोर्ड ऑफ गार्डन्स के नाम से जाना जाता है, जो माल के दो हिस्सों को जोड़ता है। नंबर 5 पर किंग ऑफ पर्शिया, पेंसिल्वेनिया में वाक़ और इसका मजबूई लीजिबल एरिया 2.79 मिलियन मुरबा फीट है। 1963 में ओपन किया गया, डेल्फेनिया के शुमाल मगरब में तकरीबन 20 मील के फासले पर मॉन्टेगरी काउंटी में वाक़ एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। यह उस वक्त अमेरिका का 5वां सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है जो मजबूई एलिजिबल एरिया के लिहाज से है। मॉल 200 में बनाया गया था। मॉल का पहला और सबसे पुराना हिस्सा 1963 में एक छोटे से ओपन एयर शॉपिंग मॉल के तौर पर खोला गया और आहिस्ता आहिस्ता 1970 की दिहाई में एक सुपर रीजनल मॉल बन गया। एक दिहाई बाद ऐशो आराम की अशिया की मांग में नुमाया इजाफे प्लाजे को अदालत की तरह आला तरीन बनाने के लिए इसे मुकम्मल तौर पर दोबारा तश्कील दी। बात करेंगे नंबर 6 पर डेल एमओ फैशन सेंटर, जो कि लॉस एंजलस कैलिफोर्निया में वाक़ है, जिसका मजमूई लीजेबल एरिया 2.51 मिलियन मुरबा फीट है। 1961 में ये ओपन हुआ था। कैलिफोर्निया का डेल एमओ फैशन सेंटर अमेरिका का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल था। आज ये कैलिफोर्निया का दूसरा सबसे बड़ा मॉल है। दो छोटे मॉल्स के दरमियान इंजमाम का नतीजा है। ये सब 1960 की दहाई की अदाल में शुरू हुआ, जो जब दो मुकम्मल तौर पर गैर मुतलका ओपन एयर शॉपिंग सेंटर्स बनाए गए थे। 2002 में डेल एमओ फैशन सेंटर्स को दी मिल्स कॉरपोरेशन, जिसे बाद में साइमन प्रॉपर्टी ग्रुप का हिस्सा बनाया गया। उम्मीद है आप लोग बहुत नहीं होंगे, चैनल पर नहीं हुए तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाजमी शेयर करें। बात करेंगे नंबर 7 पर गैलेरिया, जो कि हेविस्टन टेक्सास में वाक़ है, जिसका मजबूई लीजिबल एरिया 2.4 मिलियन मुरबा फीट है, जो कि 1970 में ओपन किया गया था। गैलेरिया, जिसे हेविस्टन गैलेरिया भी कहा जाता है, टेक्सास का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और अमेरिका का 7वां बड़ा शॉपिंग मॉल है। 3 मिलियन मुरबा फीट के रकबे पर फैला हुआ एक रिटेल एबल एरिया तफरी सहूलियात, होटलों और ऑफिस टावर्स पर मुश्तमिल है। इसमें बड़े पैमाने पर 20,000 मुरबा फीट आइस स्केटिंग की सहूलत शामिल है, जो मॉल के मरकजी शीशे के एट्रियम के बिल्कुल नीचे वाक़ है। गैलेरिया के अंदर कॉम्प्लेक्स में 3 ऑफिस और 2 होटल भी हैं। बात करेंगे नंबर 8 पर एलामोना सेंटर, जो कि एलामोना होनोलु में वाक़ है, जिसका मजबूई लीजिबल एरिया 2.4 बिलियन मुरबा फीट है और यह 1959 में ओपन किया गया था। हमारे लिस्ट में मौजूदा एलामोना शॉपिंग सेंटर एक खुला हुआ शॉपिंग मॉल है और यह दुनिया का दूसरा बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉल की तरह जाना जाता है। इस मरकज के इफ्तिताह 13 अगस्त 1959 को किया गया था, जिसमें 90 से ज़्यादा स्टोर्स नहीं थे और यह मुख्तसर मुद्दत के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बन गया था। बात करेंगे नंबर 9 पर डेस्टिनी यूएसए, जो कि सिराक्यूज न्यूयॉर्क में वाक़ है। इसका मजबूई लीजिबल एरिया 2.4 मिलियन मुरबा फीट है और यह 1990 में ओपन किया गया था। डेस्टिनी यूएसए, जो पहले क्रूशल सेंटर के नाम से जाना जाता था, न्यूयॉर्क की स्टेट का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है और यह न्यूयॉर्क में
ये 230 से ज़्यादा स्टोर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें डिस्काउंट और आला दर्जे के ब्रांड, मुतअद्दिद खाने पीने की चीज़ें और तकरीबन एक दर्जन तफरी मकामात जैसे अमेज़न, मिरर मेज। हमारे लिस्ट में नंबर 10 पर रोजी वेल्ड फील्ड, जो कि गार्डन सिटी लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में वाक़ है। मजमूई तौर पर इसका एलिजिबल एरिया 2.37 मिलियन मुरबा फीट है। रोजी वेल्ड फील्ड लॉन्ग आइलैंड का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, न्यूयॉर्क रियासत का दूसरा सबसे बड़ा और अमेरिका का 10वां सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉल है। इस मॉल का इफ्तिताह 1956 में किया गया था, जो इसे मुल्क के कदीम तरीन मॉल्स में से एक बनाता है। मॉल के अंदर तकरीबन एक दर्जन फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट और कई दीगर खाने पीने की चीज़ें हैं। इसमें चंद तफरी मकामात भी शामिल हैं, बाशमूल गोल्फ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने बताना है कि आपको कौन सा शॉपिंग मॉल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।